नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। अंत्योदय दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती। सुल्तानपुर लोहरा मऊ मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कस्बा बूथ संख्या 105 भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा, मंडल मंत्री दयाराम यादव और अन्य लोगों ने चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व है थे। उन्होंने विश्व की अनेक विचारधाराओं जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद के बीच एकात्मक मानववाद का दर्शन दिया, जिससे आज पूरी दुनिया को एक दिशा मिली है। एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल ने दिया था। उनके अंत्योदय की चिंता सबसे पहले करने के चिंतन ने भारत को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विकास को सुनिश्चित किया है। वहीं अहिमाने शक्ति केंद्र बोध संख्या 332-332-333 पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री कृपा शंकर मिश्रा एवं मंडल महामंत्री एडवोकेट अशोक वर्मा व पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री वीरेंद्र भार्गव पदाधिकारियों के साथ चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। पूर्व जिला महामंत्री कृपा शंकर मिश्रा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित है। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।